तो मन नेगेटिव साइड जाए तो वो भी भयंकर काम कर देता है, बट पॉजिटिव एनर्जी भी कोई कम नहीं है मन की, वो भी बहुत बड़ा काम कर डालती है। इसी तरह मन विजुअलाइजेशन में भी मन बहुत बैठे बैठे आप सुनते सुनते पता नहीं कहां आपका दिमाग चला जाए, कुछ और विजुअलाइज कर ले कि कल वहां मार्केट में देखो इस तरह बात कर रहे थे, पर कहां से कहां पहुंच जाता है मन, विजुअलाइजेशन। तो हर चीज में मन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, मां बाप की बच्चों से एक्सपेक्टेशन है, पूरी नहीं होती तो फिर बहुत टेंशन होता है, बच्चों की पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारी चीजें मन का ही काम है। इसलिए माइंड को फिर आगे डिवाइड करते हुए मन के दो, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अर्ध चेतन मन। चेतन मन, वी नो व्हाट टाइप्स ऑफ थॉट्स आर मूविंग इन माय माइंड, मुझे पता है मेरे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उसको कहते हैं चेतन मन। और सबकॉन्शियस माइंड माना, हमें पता ही नहीं है कि क्या विचार चल रहे हैं, या उस वक्त जब हम सोए होते हैं ड्रीम्स क्या है, जो स्वप्न है वो क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको काम कर रहा है। लेकिन कॉन्शियस आप जबकि कॉन्शियस में नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड काम, माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट से पहले माइंड को समझना बड़ा जरूरी है। हर वक्त उसका काम ही है कुछ ना कुछ सोचते रहना। अब देखिए ऊपर झंडा और उसमें पॉइंट ऑफ लाइट और उसमें एक सफेद सा बिंदु, आप सब देखेंगे। अब एक मिनट के लिए मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आप सब उस बिंदु की ओर देखेंगे, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट जो ऊपर, तो एक मिनट आप अपनी बुद्धि पूरी उधर ही एकाग्र रखेंगे और कोई मन में विचार नहीं आने देंगे, बिल्कुल विचार समाप्त, ठीक है। सब शुरू करेंगे, थैंक यू। अब जिसके मन में कोई भी विचार नहीं आया कृपया हाथ खड़ा करें। अच्छा, कोई विचार नहीं आया, वाह बड़ी सभा है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके मन में ये विचार था कि मेरे विचार नहीं आने देना है, ये भी विचार था ना, तो दो विचार तो पहले ही थे, इसलिए मन कभी भी निर्विचार नहीं बन सकता। निर्विचार बनने का भी विचार, ये भी एक विचार है। थॉट्स बहुत कम है, लेकिन निर्विचार नहीं हो सकते, और निर्विचार करना भी नहीं है, मन को दमन भी नहीं करना, दबाए अमन भी नहीं करना, बिल्कुल मन में विचार ना चले, तो क्या करना है, मन को सुमन बनाना है, बड़े सुंदर सुंदर विचार चलाए। अब रही बात मन का, टाइप्स ऑफ माइंड, पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द माइंड, मन है क्या चीज जिसको मैनेज करने की जरूरत है। अब है टाइप्स ऑफ माइंड, माइंड में किस किस प्रकार की उसकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है मन नेगेटिव, मन चार प्रकार थॉट से पहचाना जाता है, इसका मन कैसा है। आप देखना कहीं के मन में पता नहीं क्या क्या उल्टे सुलटे विचार आते हैं, खुद भी तंग हो जाते हैं, सेंटर पे आके हमारी दीदियों को कहते हैं जी कुछ करो ना, मेरा मेरा मन जो है
काबू ही नहीं आता, ऐसे ऐसे खुद को लज्जा आती है कि ऐसे ऐसे उल्टे सुलटे विचार मन क्यों चलाता है, बता भी नहीं पाते हैं। तो क्या है थॉट्स, मैं किस क्वालिटी की सोच हूं वो इस चीज से पहचान सकते हैं आप, किस क्वालिटी के मेरे थॉट्स चलते हैं। मेरे थॉट्स अगर बड़े सुंदर सुंदर चलते हैं तो वेरी गुड क्वालिटी, और खासकर जब कोई आपको ना देख रहा हो, आप अकेले हैं, किसी को नहीं पता, ऐसे टाइम पे भी बड़े सुंदर विचार चले और कोई विचार ना चले, ये है इसका मतलब यू आर ए वेरी गुड क्वालिटी सोल। जिसके मन इतने सुंदर विचार रचना रचता है, तो पहली चीज ये करना है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ थॉट्स कौन कौन से रचता, हाँ पहले तो थॉट्स रचता कितने हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी सर्वे 30 थॉट्स पर मिनट, हमारा मन एक मिनट में 30 विचार रचना रचता है, और सारा दिन में 30,000 विचार वो हमारा मन रचना करता है। अब आप सोचिए इतने थॉट्स रचता है, एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री तो हमारे अंदर ही है, जो अंदर ही अंदर इतने थॉट्स रचता है। अब उसमें कौन से थॉट्स, किस किस प्रकार के थॉट्स हैं वो है। सबसे पहले है नेगेटिव थॉट्स, मनुष्य मन में नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार, कईयों के मन में नकारात्मक विचार वो कैसे होते हैं, वायलेंस के थॉट्स, दुख देने के विचार, पता नहीं पीड़ा नहीं होती, कहीं किसी को इतना दुखी करते हैं क्या मिलता है उन्हें समझ नहीं आता, टॉर्चर करते हैं, वायलेंस करते हैं, दूसरा दुखी हो परेशान हो, ये तो गलत है ना। वो हिप्नोटिक रिग्रेशन होता है ना, पिछले जन्म ले जाते हैं डॉक्टर्स साइकेटिस्ट, ये एक विशेष साइंटिफिक वो है, पिछले जन्म ले जाते हैं, एक बार पिछले बार तीसरा बार। एक व्यक्ति ब्लाइंड था और उसको जब ले गए पिछले बार कैसकर, तो 3 जन्म पीछे उसका जो मिला हिप्नोटिक रिग्रेशन में, तो उसको ये किसी राज्य में किसी देश में होता ना बड़ी सख्त सजाएं होती हैं, उल्टा काम करे को उसकी आंखें सरिये से फोड़ देते हैं, ऐसे है कई जगह कानून अपराधियों को, ऐसे कहते चलो वो कर्म समझ के आंखें फोड़ता एक अलग बात, लेकिन वो इंजॉय करता था, उसे बड़ा मजा आता था आंखें फोड़ने में, और वो किया हुआ कर्म फिर वो वापस आएगा ना, फिर आपका जीवन क्या बन जाएगा। इसलिए नेगेटिव थॉट, वायलेंस वाले थॉट, कईयों के लस्ट थॉट, काम वासना के विचार इतने ज्यादा चलते हैं, ऐसी फिल्में देखना, ऐसी चीजें देखना और ऐसी विचारों में, तो दुखी भी होते हैं, उनको अंदर लगता है नारकीय है, क्योंकि एक कहावत है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, प्योर थॉट्स है तो आपके पास सुख शांति है, अगर हर वक्त विषय विकारों के थॉट्स चलते रहेंगे वासना युक्त, तो आपको सुख शांति तो नहीं मिलने वाली, वो तो कोसों मील दूर भाग जाएगी, तो वो भी नेगेटिव थॉट्स। लूटिंग चीटिंग थॉट्स, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव थॉट्स, किसी को धोखा देना, ये सब नेगेटिव थॉट्स है। ईगो के कारण दुर्व्यवहार करना, ये नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। कहीं बोलेंगे तो बहुत मीठा, लेकिन चुपचाप दूसरे की पूरी जड़ काट देंगे, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है, डेंजरस, क्योंकि वो पहचाने भी नहीं जाते, ऊपर से तो बड़े वाइट है और अंदर कितना गलत काम करते हैं।
तो ये एक चीज, ये सारी नेगेटिविटी थी मेरे में, करप्शन, हाई करप्शन। एक है चलो जितना तुम्हारा प्रॉफिट बनता है वो लो, एक है धूल झोंक के बहुत ज्यादा किसी को चीट कर देना, ये भी नेगेटिविटी में आ, नेगेटिव थॉट्स। फिर दूसरा है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट माना अननेसेसरी, मीनिंगलेस, यूजलेस, काम खा के, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो वेस्ट जा रही है। थॉट पावर इज द बिगेस्ट पावर, कहते सबसे बड़ी पावर तो थॉट पावर है, और वो आपकी वेस्ट जा रही है, एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। 30,000 थॉट्स, और उसमें मैक्सिमम साइकोलॉजी दूसरा सर्वे ये है कि मैक्सिमम थॉट्स वेस्ट करता है मनुष्य। तो बैठे बैठे पुरानी बातें, 10 साल पुरानी बात, पता नहीं कौन सी बात चलती रहेगी, मन उधेड़ बुन, क्यों कहते हैं उधेड़ बुन में लगा रहता है, बुन फिर उधेड़, बुन फिर उधेड़, इसी काम में लगा रहता है। ये है वेस्ट थॉट, अननेसेसरी, मीनिंगलेस, व्यर्थ। इसलिए उसके लिए क्या करें, इस पर हमें एक एग्जाम्पल सुनाते। एक फकीर था, उसका कोई फ्रेंड था, वो उसे बहुत वर्षों बाद मिलने आया। फकीर मिला 15 साल बाद और पूछा, ठीक है और सब आधा घंटा बात करके, अच्छा मेरी कुछ जजमानों से अपॉइंटमेंट है, तुम यहां बैठोगे, मैं थोड़ा हो आता हूं। उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। कहा अच्छा चलो। फिर उसने देखा मेरी ड्रेस थोड़ी डर्टी है, कहते तेरी ड्रेस थोड़ी, तेरे पर कोई ड्रेस पड़ी? फकीर ने कहा मैं ड्रेस से क्या लेना फकीर हूं। अच्छा उसे याद आया, हाँ एक ड्रेस गिफ्ट में मिली थी, अलमारी से निकाल के लाया, ड्रेस अप कर लिया। अजी वो तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगने लगा, अप टू डेट, और दोनों साथ चल पड़े। और चल पड़े, चलते 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 फकीर के मन में विचार आया कि ड्रेस तो मेरी और ये पूरा अवसर लग रहा है, और मैं जैसे कोई इसका चपरासी साथ जा रहा हूं। फिर उसने हटाया, फकीरों को क्या लेना ड्रेस से, क्यों मेरे मन में वेस्ट थॉट आ गया, हटा दिया। चलते चलते फिर थोड़ी देर बाद आया, ड्रेस तो मेरी, ये बाबूजी लग रहे हैं, मैं इसका कोई असिस्टेंट हूं जैसे। फिर हटाए, फिर आए, फिर हटाए, फिर आए, फिर हटाए, बोला कुछ नहीं। जहां पहुंचना था पहुंच गए, स्टार्ट किया मिलना मिलाना, 1, 2, 3, 4। फोर्थ पर्सन ने उसे पूछा, ये आपके साथ ये जेंटलमैन कौन है? क्या ये मेरे परम मित्र बहुत वर्षों के बाद मेरे से मिलने आए, और चूंकि मुझे यहां आना था और इन्होंने भी इच्छा जताई साथ आने की, लेकिन क्योंकि इनका ड्रेस थोड़ा वो नहीं था प्रॉपर, मैं कहा लो भाई मेरे पास ड्रेस है, चलो भाई चल। इस तरीके से, क्योंकि जो दिमाग में हो ना वो निकलेगा जरूर मुंह से। अब ये परिचय दे दिया, अब आगे चले, फ्रेंड एनॉयड हो गया कि मैं नहीं चलता था, क्या जरूरत थी बताने की कि मेरी ड्रेस थी क्या? अच्छा अच्छा सॉरी, अब नहीं बताऊंगा, तो तू नाराज ना हो। फिर उसे बनाया, खैर चल पड़े, चले। तो फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 एक पर्सन अगेन आज, आठवें व्यक्ति ने फिर पूछा, जी आपके साथ ये महानुभाव कौन है? उनके ये मेरे परम मित्र, बहुत अच्छे इंसान, सदा सबके मददगार, सबके स्नेही, बड़े अच्छी सोच वाले इंसान, और श्रेष्ठ वृत्ति से भरे हुए, और ये ड्रेस मेरी नहीं है। ड्रेस तो दिमाग में घूम ही रही थी। तो फिर चले जब आगे, फिर फ्रेंड ने कहा कि भाई तेरी मेरी ट्यूनिंग, क्या अब तो यही कहा ड्रेस मेरी नहीं, ड्रेस की बात ही नहीं करनी थी। अच्छा थोड़ी देर रह गई, बहुत सॉरी, अब मैं नहीं करूंगा बात, तो जा नहीं, चलो। फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ, 9, 10, 11, 12 पर्सन अगेन आज, हु इज द जेंटलमैन विद यू, ये आपके साथ सज्जन पुरुष कौन है,
सज्जनता के मूल, अब तो बहुत महिमा की, ये मेरे परम मित्र गरीबों के मसीहा, मैन ऑफ करेक्टर, सदा गुणों की मूर्ति, सदा मधुभाषी, सज्जनता की मूर्ति, और बाकी मैं ड्रेस की कोई बात नहीं करूंगा। अब आप देखिए तो ये क्या है, इसी को कहते हैं वेस्ट थॉट। रात को आप देखेंगे कि आप सोने जा रहे हैं, लेकिन सोते हुए कोई वेस्ट थॉट आ जाता है, वेस्ट थॉट आ जाता है, आप उसे खूब पकाना चाहते हैं, भाग ही नहीं पाता हूं फिर। तो ये क्या है, तो आप कोशिश करते, परेशान हो जाते हैं, छोड़ परे, लेकिन छोड़ता ही नहीं ना। मच्छर से बचने के लिए तो हाँ मच्छरदानी लगा देते हैं, लेकिन वेस्ट थॉट से बचते, वो एक बना हुआ है ना, जल्दी से जवाब देंगे। नमकदानी में क्या होता है, जल्दी से जवाब दें, नमकदानी में क्या होता है, नमक। चायदानी में चाय, और फूलदान में फूल, और मच्छरदानी में मच्छर। अरे सारे क्या हो गए, इतने इंटेलेक्चुअल बैठे। मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं होते ना, मनुष्य होते हैं। मच्छरदानी में मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य जो है वो मच्छरों का उससे बचाव हो जाता है मच्छरों से, लेकिन ये जो थॉट्स के मच्छर आ जाते हैं उनको कैसे बचाएं, उसी के लिए माइंड मैनेजमेंट कराने आए, उसी के लिए माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। तो ये था वेस्ट थॉट। फिर उसके बाद तीसरी थॉट्स है, वो है ऑर्डिनरी थॉट, साधारण विचार। वो साधारण विचार माना वो जरूरी भी है, नेसेसरी है, प्रोफेशनल जरूरी विचार, लेकिन वो साधारण क्वालिटी के, और वो साधारण क्वालिटी के विचार जो है वो भी मनुष्य मन को छोड़ते नहीं। तो वो साधारण विचार वो जो है, मतलब एक जरूरी, घर की जिम्मेवारी है, बाल बच्चों की जिम्मेवारी है, कुछ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑर्डिनरी टाइप के हैं, उसमें पाप भी नहीं है तो पुण्य भी नहीं है, ऑर्डिनरी। और लास्ट चौथा कौन सा रह गया, चौथा है पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, सेवा के विचार, श्रेष्ठ ज्ञान के विचार, परमात्म अनुभूति के विचार, आत्म अनुभूति के विचार, ये सब विचार जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव, निष्काम सेवा। तो ये सब विचार हमारे पॉजिटिव थॉट्स में। साइकोलॉजिस्ट सर्वे के अनुसार मोर देन 80% थॉट्स आर द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर बेस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स, 15% थॉट्स आर द ऑर्डिनरी थॉट्स, एंड 0-5% थॉट्स आर द पॉजिटिव थॉट। अब आप में से जो क्लेम करते हैं सारा दिन में मेरे 5% थॉट्स पॉजिटिव चलते हैं, वो हाथ खड़ा करो सच्चाई से, थोड़े हाथ है ना, क्योंकि 5% माना ही क्या, 30-1500 थॉट पॉजिटिव दिन में चल रहा, एक बड़ी बात है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे पॉजिटिव प्योर थॉट्स हमारे मन में चलते रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी के लिए माइंड मैनेजमेंट, अब प्रश्न आता है विच फैक्टर डिस्टर्ब आवर माइंड, हमारे मन को कौन से फैक्टर हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, वो भी तो पता होने चाहिए ना, फिर उन्हीं को मैनेज करने की बातें आएंगी ना। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन परेशान रहता है, मन जिसका परेशान रहेगा उसे कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर नेगेटिव थॉट्स के कारण ही होती है ना, और ये हेल्दी है। तो हमें वही तो करना है, और ये माइंड मैनेजमेंट उसी के लिए, इसलिए हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा मोर देन 90% डिजीजेस आर ओनली ड्यू टू मेंटल टेंशन, एंड मेंटल टेंशन कैन नॉट बी रिमूव ओनली थ्रू मेडिसन,
Therefore, mind management is most important. उस चीज को हमें जरूर करना। अब है कौन से फैक्टर्स हैं जो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, अब वो मैं आपके सामने छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। तीन पॉइंट वो क्या है, हरी वरी एंड करी। ये तीन शब्द माइंड को डिस्टर्ब कर, हरी अप, टॉकिंग इन हरी, ईटिंग इन हरी, वॉकिंग इन हरी, एवरी टाइम इन हरी, जल्दबाजी में। आप सब नोटबुक लाए हो कि नहीं, तीन दिन का माइंड मैनेजमेंट कोर्स करने आए हो ना, तो नोट करने की चीजें हैं ताकि दिन में रिवाइज कर सकेंगे ना। आज नहीं लाए हैं तो कल से जरूर लाना, कई चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, और जो लाए हैं वो नोट जरूर करें। तीन शब्द हैं माइंड को जो डिस्टर्ब करते हैं, व्हाट आर दोस थ्री, हरी वरी करी, हरी अप, टॉकिंग इन हरी, ईटिंग इन हरी, हर वक्त जल्दबाजी, एट अ टाइम मेरी प्रॉब्लम माइंड ट्राई टू सॉल्व, और किसी के रिजल्ट पे नहीं पहुंच। तो व्हाट टू डू, कहते ओपन वन कंपार्टमेंट एट वन टाइम एंड पुट योर फुल एफर्ट। एक टाइम में एक ही कंपार्टमेंट खोलो और पूरी एनर्जी लगाओ। ये है माइंड मैनेजमेंट का तरीका। जिस टाइम अब आप आ गए हो यहां पे, अब यहां टाइम दे दिया आपने, ठीक है भाई हम 700 ये करेंगे माइंड में। अब इस वक्त बैठे कोई सोचता रहे वो क्या हुआ, कई चीजें साथ नहीं। जिस टाइम जिस चीज को अलॉट कर दिया पूरे मन फोकस उधर करो, ठीक है। ये माइंड मैनेजमेंट। हरी, एक बार गाड़ी लेके हम जा रहे थे दिल्ली, एक गाड़ी ने ओवरटेक किया, उसके पीछे लिखा था ओ गॉड गिव मी पेशेंस, परंतु तीन शब्द पीछे पड़ के बड़ा ताजुब हुआ। क्या थे तीन शब्द, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, हे भगवान धीरज दे लेकिन फटाफट दे, उसमें भी देरी नहीं, उसमें भी जल्दबाजी। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, कई लोग होते हैं ना बीमार होते, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन दो बस आज ही ठीक हो जाओ। भाई तेरी बीमारी को 10 साल लगा, इसको जाने में 10 दिन तो लगेगा, पेशेंस नहीं। और ये पक्का समझ ले, इफ देर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। धीरज रख मनवा, सिचुएशन नहीं बदल रही, वो कांट चेंज द सिचुएशन बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन। थोड़ा धीरज को रख, टाइम आएगा ऑल टुगेदर बदल जाएगी, धीरज तो रख। ये है हरिया। फिर है वरी, अननेसेसरी वरी, चिंता एक चिता के समान है। चिता तो मुर्दे को जलाती और चिंता जिंदे को जलाती। अच्छा आप में से कोई है जिसे कभी कोई चिंता नहीं रहती, वो जरा हाथ खड़ा करो, कहो भाई साहब अगर 7 से ऊपर टाइम हो गया तो हमें चिंता लग जाएगी घर जाने। चिंता, ये चिंता जो है ना ये बहुत, तो वरी, अननेसेसरी वरीज मनुष्य को बहुत, पुरानी बातें मनुष्य सोचता रहता है, पास्ट के बारे सोचता रहेगा, उसने ऐसे किया था, 5 साल पहले किसी ने आपसे 5 मिनट अपशब्द बोले आपको बहुत बुरा लगा। सच बात तो ये है जब वो बोल के चला गया तो उसको भी बुरा लगा कि मैंने क्या बोल दिया, उसने भगवान से सॉरी किया और भूल गया। लेकिन आप नहीं भूले 5 साल, वो भूल गया, आपने इन 5 साल में 100 बार याद किया और हर बार आप परेशान हुए, उसके लिए आपके इतने मन में उल्टे विचार चले। He tortured you only once for 5 minutes and you tortured yourself 100 times in these 5 years. 100 बार आपने टॉर्चर किया खुद को। ये है वरी, अननेसेसरी जो हम जमा कर लेते। इसलिए किसी को क्षमा करना वास्तव में उसपे उपकार नहीं, अपने ऊपर उपकार है, नहीं तो तुम्हें टेंशन रहेगा ही रहेगा जब तक तुम दिल से क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए वरी,
फिर करी, करी क्या होता है, करी ऑयली एंड स्पाइसी चीजें जो हम खाते हैं और हमारी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर देता है उसको कहते हैं करी, तो हरी भरी करी। नेक्स्ट, एक सबने बहुत निकट फ्रेंड बनाया हुआ है और वो बहुत टेंशन पैदा कर देता है, वो कौन है फ्रेंड, वो है मिस्टर झा। मोबाइल अच्छे काम भी करता है, बहने एक एक के पास क्या जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, सबको मैसेज मिल गया, तो लेकिन झा हुई दा झा, कोई झा साहब तो नहीं बैठे, मिस्टर या मिस झा बैठे नहीं, अच्छा हुई झा, जे एच ए, जे फॉर जेलसी, एच फॉर हेटरनेस, ए फॉर एंगर, ये तीन चीजें जो है ना ये माइंड को डिस्टर्ब करती, ईर्ष्या घृणा और क्रोध। मनुष्य को ये दुख नहीं है कि भगवान तूने मुझे क्यों नहीं दिया, मनुष्य को दुख है कि मेरे पड़ोसी को इतना क्यों दिया, ये है ईर्ष्या, और इस ईर्ष्या को खत्म करना है। तब भगवान कहते ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चिंतन करो, ईर्ष्या करते हैं ना उसी से परेशान होते हैं, इसलिए हमें ईर्ष्या छोड़नी है। ईर्ष्या का सांप अगर लेट गया फिर मुश्किल है। एक शिव भगत ने शिव की भक्ति की, भक्ति करते करते शिव को प्रसन्न कर लिया, शिव ने कहा वर मांगो, कि मांगू तो दोगे, कि जरूर दूंगा, शर्त यह है जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। पड़ोसी से तो जेलसी थी, भगत जी फंसते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कार ही मांग लू 70-80 लाख की, मन ने कहा बच्चू कार तो मिल जाएगी परंतु पड़ोसी को दो मिलेंगे, अरे अरे ये तो रात की नींद ही खराब हो जाएगी। फिर सोचा एक आलिशान बंगला मांग लू, ये बंगला तो मिल जाएगा परंतु पड़ोसी को दो मिलेंगे, जीना ही मुश्किल हो जाएगा देख देख। आखिर सोच सोच तैयार हुआ, कह भगवान मैं तैयार हूं, कह तैयार हो मांगो, कि ऐसा करो भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों क्यों, मेरा तो गुजारा एक से चलता रहेगा, पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। और ये प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल घटित हो रहा है, क्यों मित्तल साहब आप तो कोर्ट में केसेस देखे हैं, तो क्या है, लोग आते हैं वकील साहब रुपया चाहे 1 लाख लग जाए 2 लाख लग जाए उसको नीचे जरूर दिखाना है, मतलब दे आर रेडी टू वेस्ट देयर मनी एनर्जी टाइम ओनली ड्यू टू जेलसी। जैसे वो आंख फुड़ाने को तैयार हो गया जेलसी के, वो भी इसी तरह तैयार हो जाता, तो दिस इज द जेलसी जो हमें खत्म करनी है। हेटरनेस, हेटरनेस माने घृणा भाव, किसी के लिए मन में घृणा आ जाना, और वो घृणा जब आ गई फिर मन परेशान रहेगा, मन तो द्वंद में घूमता रहेगा, इसलिए घृणा भाव जो है वो खत्म करना, घृणा जरा भी ना, घृणा जैसे आई किसी के लिए हमेशा याद रखो वल्लल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इसलिए हमें अपने आप को समझना है कि सब सबका अपना अपना पार्ट है, सारे राम का पार्ट भी प्ले करेंगे, कोई रावण भी करेगा, कोई राम का भी करेगा, कोई किसका भी करेगा, मुझे किसी के लिए घृणा नहीं रखनी। घृणा आई किसी के लिए, आप देखना जो भी टेंशन चलते हैं किसी के लिए घृणा आती, इसलिए उसकी स्पेशलिटी देखो, उसकी अच्छाई देखो, यही है ना एक विशेष ध्यान। तो ये एक हमारी चीज हमारे मन में चले, तो उस चीज को तो लास्ट है फिर एंगर, इफ देर इज एंगर डेफिनेटली देर इज डेंजर, उससे मन कितना परेशान हो जाता, माइंड को डिस्टर्ब करता है एंगर, एंगर को सदा के लिए खत्म करना है। कौन कौन है आप में से जो कहते हैं मैं बिल्कुल एंगर फ्री हो गई हूं, हो गया हूं, हाथ खड़ा करो, नहीं ना,
अपने इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी दादियां, बहुत सारे भाई बहन हैं जो एंगर फ्री नाम, इसलिए लोगों ने इस संस्था का नाम ब्रह्म कुमारी की बजाय ज्यादा ओम शांति वाले कहते, क्योंकि इनका ग्रीटिंग वर्ड है ओम शांति। शांति इज विद इन मी नॉट आउटसाइड, मेरे अंदर ही है शांति, उस चीज को समझना। तो ये एक पॉइंट है, इसलिए गेट आउट मिस्टर छा, क्रोध, ये जेलसी, हेटरनेस, एंगर, इनको गेट आउट करो। फिर माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, आपको मालूम है झा ज्यादातर किस स्टेट में मिलते हैं? बिहार, बिहार में होते हैं। तो बिहार में कई बार जाना हुआ, 10 बार। पहली बार जब गया मुझे इस बात का पता नहीं था, एक एमडी ने 200 ऑफिसर के लिए प्रोग्राम रखा, और जैसे मैंने कहा गेट आउट मिस्टर छा, एकदम आश्रम के बहन जी दौड़े दौड़े आए, मेरे कान में कहा कि एमडी साहब ही छा है, और वो सब अफसर उससे तंग थे, वो तालियां बजा रहे थे, सही फैकल्टी आया। तो मैंने फटाफट कहा गेट आउट द नेगेटिव झा, एडॉप्ट द पॉजिटिव झा लाइक यूर एमडी, जी द पॉजिटिव झा। मैंने 3 शब्द बनाए, जे फॉर जॉय, H for harmony, A for awareness। तो सबने और तालियां बजाया गई, बड़ा होशियार फैकल्टी है, फटाफट उसने सिचुएशन पे काबू पा लिया। तब से पूछ लेता हूं कि कोई झा तो नहीं बैठा हूं। तो गेट आउट मिस्टर झा। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा माइंड को जो डिस्टर्ब करता है वो है ईगो, अहंकार, अहम भाव, वो मनुष्य को बहुत परेशान कर देता है ईगो के कारण। टॉकिंग टर्म बंद, आप उसमें बोलेंगे नहीं, कितना परेशान हूं। अच्छा चलो, ज्यादातर गृहस्थी भाई बहने बैठे हुए जिनका जीवन में कभी भी किसी से बोलचाल बंद नहीं हुआ, कृपया हाथ खड़ा करें। अच्छा, बड़ी मुश्किल से 1-2 हाथ है। अच्छा अच्छा चलो, जिनका अपनी धर्म पत्नी या धर्म पति से कभी बोलचाल बंद नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, वो भी बहुत थोड़े हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2000 थे, 1000 ब्रदर्स, 1000 सिस्टर। एक बार मैंने जब ये प्रश्न पूछा तो 5 कपल मिले कि हमारा कभी टॉकिंग टर्म बंद नहीं हुआ। मैंने खूब क्लैपिंग कराया स्टेज पे जब बुलाया, और जब डिटेल परिचय पूछा गया पता लगा उनकी शादी हुए ज्यादा से ज्यादा 1 साल हुआ है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी, तो सबने कहा अभी तो जर्नी शुरू हुई है। तो कहने का भाव ये है कि ईगो के कारण दोनों परेशान है, बोलते नहीं है ईगो के कारण। एक व्यक्ति का एक कजन ब्रदर से बोलचाल बंद हो गया, ईगो होता है, छोटी सी बात नहीं हो गई, 3 महीने तक बोले नहीं। किसी ने कहा भाई आपका बहुत काम पड़ता है, काहे को नहीं तुम बोलते। उसने कहा ये बात नहीं, कोई बात है छोटी, छोड़ो बोलो। 1 मिनट सोच के कहते अच्छा मैं बोलूंगा, शर्त यह कि पहले वो बोले। फिर उसके पास गया, उसे कहा क्यों नहीं बोलते आपका इतना आपस में था। भाई ये बात है, कोई बात है इसके पीछे, छोड़ो आपको। उसने भी 1 मिनट सोच के कहता अच्छा मैं बोलूंगा, पर शर्त यह है कि पहले वो बोले। दोनों अड़ गए, नहीं बोले 1 साल, 2 साल, 5 साल तक नहीं बोले आप। 5 साल के बाद उसे हार्ट का पेन, हार्ट के हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने ईसीजी लिया, एडमिट कर लिया, तेरा तो सर्जरी हुआ है, तो बड़ा वो है, क्रिटिकल केस है, एडमिट कर लिया। रिलेटिव मिलने आए, उसने सोचा एज भी हो गई थी कि पता नहीं बचू ना बचू, अब वो भी बात खत्म करता हूं। कजिन ब्रदर को मैसेज मिला, दौड़ा दौड़ा आया मिलने, यार तू बोला नहीं 5 साल, यार तू नहीं बोला, अच्छा यार तू नहीं बोला। अच्छा, जिस बात से डिस्प्यूट था छोटी सी बात थी क्लियर कर ही रहे थे,
और लगभग क्लियर हो गई थी। इतने डॉक्टर आया थोड़ा, भाई वो हार्ट का पेशेंट कौन है? डॉक्टर साहब मैं हूं। क्यों, क्या बात? कहते ऐसा है, हमारी मशीन में कुछ खराबी हो गई थी, तेरा हार्ट तो ओके है, तेरे को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ओके है क्या? हाँ। उसे कहते भी सुन ले, मेरा हार्ट ओके है, तेरी मेरी वही रहेगी जो पहले थी, अभी तो जान है, मैं अभी जीतने वाला नहीं। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। इतने अच्छे शेर पे आपने ताली नहीं बजाई। डेड बॉडी आप देखना अकड़ जा रहा है। माइंड मैनेजमेंट का एक तरीका है ताली बजाना, क्योंकि एक्यूप्रेशर के ना सारे पॉइंट प्रेस होते हैं। अच्छी तरह बजाइए। या ये है मनुष्य की एक ईगो वाली बात, इसलिए बी हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इसको धारण करना। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपसे वायदा था टाइम पे पूरा करना है, तो मैं समअप करूंगा। कल एग्जैक्ट 5:30 शुरू करेंगे और 7 बजे पूरे पूरा करेंगे। कल आपको, आप लेके आना नोटबुक, काफी सारी टिप्स बताएंगे, हाउ टू मैनेज योर माइंड, आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करें। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में, जिनको मोबाइल में भी नोट कर सके नोट कर लें। हम अक्सर करके बताते हैं, देयर आर 7 C विच डिस्टर्ब द माइंड। व्हाट आर दो 7 C? क्रिटिसिज्म, कई व्यक्तियों की नेचर है हर वक्त क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसिज्म क्या करेगा? वो टेंशन, माइंड परेशान, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट कॉमेंट, चलते चलते कोई ऐसा कॉमेंट, एक कॉमेंट ही था सारा महाभारत बना। क्या था कॉमेंट? दुर्योधन आए थे इंद्रप्रस्थ देखने और वो गिर गए, और जोर से द्रौपदी खिलखिलाकर हंसी, अंधे का पुत्र अंधा, कितना उसका तन बदन, इसका बदला लेके छोड़ूंगा। एक महाभारत की बात नहीं, रोज इस प्रकार की महाभारत, इन्हीं प्रकार के कॉमेंट से घर घर में होती है। नेक्स्ट करेक्शन, कहते करेक्ट योर सेल्फ नॉट अदर्स, अपने आप को करेक्ट करो, औरों को नहीं करो। अपनी त्रुटियां देखो, तुम अपने को सुधारने आए हो ना, तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, कहते ना, तू गठड़ी संभाल तेन चोर नाल की। मनुष्य को सेल्फ के दोष कम, दूरदृष्टि ज्यादा तेज है, दूसरों के ज्यादा देखता। तो एक ये चीज, फिर है केयरलेसनेस, फोर्थ सी इज द केयरलेस। ये सब चीजें टेंशन पैदा करती हैं। पहले केयरलेस रहे, परवाह नहीं करें, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर तो कहते रहते हैं, तो कुछ खाने भी नहीं देंगे, लाओ जी लाओ, पकौड़ा भी लाओ, समोसा भी लाओ, ये भी लाओ, खाते रहे, फिर हार्ट अटैक हो, हाय मर गए। अभी तुम पहले केयरफुल रहते ना, केयरलेसनेस, कंप्लेन टू सीनियर, कंप्लेन टू जूनियर, कंप्लेन टू एवरीवन, कंप्लेन टू योरसेल्फ, हर एक से कंप्लेन है। यू कांट बी कंप्लीट इफ यू ऑलवेज हैव द कंप्लेंट। नेक्स्ट कंपैरिजन, दूसरे से तुलना करेंगे, और इसकी कितनी बढ़िया गाड़ी, मेरी देखो कुछ नहीं, इसकी कितनी अच्छी कपड़े, मेरे कितने, इसके बच्चे कैसे, मेरा कैसे, इसका घर कैसा, मेरा कैसे। ये कंपैरिजन जो है ना, ये मन को पागल कर देगा। कंपेयर करना आध्यात्मिक विभूतियों से करो। ये देखो इन बहनों को, सर्वस्व जीवन भी त्याग करके सेवा में लगी हुई है, पीछे कोई और मोटिव है क्या? ये प्रोग्राम रखा है, कोई पीछे और मोटिव तो नहीं है, कुछ चंदा इकट्ठा करना है? नॉट एट ऑल, केवल सेवा की भावना।
सबका मन मनेज हो जाए, ये भावना ये। और छह सी हो गए ना, सेवन सी द कॉम्पिटिशन। पॉजिटिव कॉम्पिटिशन इज गुड थिंग, बट नेगेटिव कॉम्पिटिशन, नेगेटिव कॉम्पिटिशन, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन तो हम रखते हैं। कई बार जैसे प्रोग्राम होता है ना, 5:30 एग्जैक्ट जो आएंगे, पंक्चुअलिटी वार, ये हमारी सभा में अनाउंस किया जाता है। ओ ये, पर नेगेटिव कंपटीशन, बहुत तेज छिड़ जाते हैं, गाड़ियां भगाते हैं दूसरे से, आगे एक्सीडेंट होती है, तो ये चीजें। तो दीज आर द सेवन सी। कल हम आपको माइंड मैनेजमेंट के बताएंगे, हाउ टू मैनेज द माइंड, उसके भी सेवन सी हैं, बड़े सुंदर हैं वो पता लगेंगे, और भी कई टिप्स मिलेंगी। और परसों फिर आपको उसके निदान मेडिटेशन के द्वारा कैसे होगा उस पर बताएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता